आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड, तैयार गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन। आसिफ रमजान स्पेशल हलीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 6 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज। मुसलसल तीसरे रोज मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस की जारहत, सैकड़ों फलस्तीनी नमाजी गिरफ्तार, 40 साल से कम उम्र अफराद के मस्जिद में दाखिले पर लगी पाबंदी, आलम इस्लाम में गम व गुस्सा। इसराइली मजालिम के खिलाफ हमास ने फलस्तीनियों से की अपील, कहा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे क़िबला अव्वल। अक़वामे मुत्तहिदा ने इसराइल और फलस्तीनी रहनुमाओं से की अपील, मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस के हमले के बाद होने वाले तशद्दुद के बाद तहम्मुल का करे मुजाहरा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भी मस्जिद अक्सा में पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार, कहा इसराइल को अपने मौकफ़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत। एशियाई मुल्क जापान में तेज़ी से फैल रहा मजहब इस्लाम, जापान में तकरीबन 2,30,000 लोगों ने इस्लाम किया कबूल, निसफ मुस्लिम आबादी शादीशुदा। एक मासूम बच्चे ने खाने काबा को छूने की सादत की हासिल, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का किया इजहार, सिक्योरिटी अहलकार का बच्चे के साथ शफाकत और नरमी का सलूक। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने फिर एक मरतबा अमेरिका को दी धमकी, कहा साउथ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका हमें जौहरी जंग की तरफ ढकेल रहा। कनाडा के मशरक इलाकों में बर्फीले तूफान की तबाही, 10,00,000 से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम, मैनिट्यूबा में 20-25 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड। अरुणाचल प्रदेश के 11 मुकामात का नाम तब्दील करने की चीन की कोशिशों को अमेरिका ने की शदीद मुखालिफत, अरुणाचल में चीन की कोशिशों को कर दिया मुस्तरद। घर खरीदने वालों और होम ऑटो लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, घर कार खरीदारों को राहत, आरबीआई ने नहीं बढ़ाया रेपो रेट, महंगाई पर भी काबू। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया को रमज़ान के दौरान खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किया गया मुतालबा, मुस्लिम फरीक की मांग पर 14 अप्रैल को होगी समाअत। रामनवमी के दौरान मुल्क की कई रियासतों में तशद्दुद, मुस्लिम कायदीन के वफ्द की अमित शाह से मुलाकात, शाह ने कहा शरपसंदों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हनुमान जयंती के मौके पर वायलेंस के खदशे के पेश नज़र ममता बनर्जी की अपील, कहा अमन बनाए रखे मुसलमानों की हिफाजत करे हिंदू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। तेजस्वी यादव ने फिर एक मरतबा लोगों से बीजेपी आरएसएस की साजिश में ना पड़ने की अपील की, कहा ये लोग 15% से 85% को डरा रहे। पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन के मुकम्मल होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने निकाला तिरंगा मार्च। कर्नाटक में दोबारा इख्तदार की वापसी के लिए बीजेपी गोशा, पवन कल्याण की अमित शाह व नड्डा से मुलाकात, कर्नाटक में पवन कल्याण की बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम। तब्दीली मजहब केस में दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली मशरूत जमानत, जल्द ही मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल से आ जाएंगे बाहर। आंदेन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस को लेकर मिनिस्टर केटीआर की मोदी हुकूमत पर तनकीद, मरकजी हुकूमत से आंदेन की कीमतों में कमी का किया मुतालबा। दूसरी पार्टियों से महाराष्ट्र के लीडरों की बीआरएस में आमद जारी, एनसीपी के बाद अब शिवसेना के कई लीडर्स बीआरएस में हुए शामिल। हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा से पहले राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शहर की पुरअमन फिजा खराब ना हो इसलिए एहतियाती तौर पर किया गया गिरफ्तार। एसएससी एग्जाम सेंटर में मोबाइल ले जाने पर खातून कांस्टेबल ने राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर को रोक दिया बाहर, कमिश्नर ने कांस्टेबल की तारीफ, दिया इनाम। हैदराबाद में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 13 अफराद गिरफ्तार, खुद को अमेजॉन प्राइम कंपनी के नुमाइंदे जाहिर कर ऑस्ट्रेलवी और कैनेडियन शहरियों को दे रहे थे धोखा। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश, हैदराबाद के कई मकामात पर झालाबारी की भी खबरें, कई अजलों में खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर, 24 कैरेट सोना 62,450 जबकि प्योर चांदी 760 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज।
ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा। हर साल की तरह इस साल भी रमजान के मौके पर रोजेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन आसिफ रमजान स्पेशल हलीम, जो शब मेराज और शब बरात के मौके पर भी दस्तियाब रहेगी। एक बार खाएंगे तो बार बार चाहेंगे। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खसूसियत अंजीर खलाखन, अजमेरी खलाखन, बंगाली स्वीट्स, काजू कतली के अलावा मीठे की रोटी, मोहर्रम में दम के रोट, जुमा के दिन कद्दू का हलवा और दीगर लजीज मिठाइयाँ भी दस्तियाब है। ये सब चीजें आप घर बैठे स्विगी और जोमेटो के जरिए भी मंगवा सकते हैं। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स पार्टी ऑर्डर्स भी करते हैं। मजीद जानकारी के लिए रब करें आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, रूबरू मस्जिद गंजे शहीदा, जिर्रा, आसिफ नगर मेन रोड, हैदराबाद।